आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कतर के सबसे सुंदर मॉल में से एक वेंडम मॉल पे। ये मॉल लुसेल सिटी में है। आप यहाँ पे मेनली उबर में ही ट्रैवल कर सकते हो। ये मॉल इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लाइक ये एक पैलेस जैसा बनाया है। आप जैसे ही एंटर करते हो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड या फिर सीधा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए मॉल, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा ही जाएंगे। ये आ गए हम लोग, और हम लोग पहले ही हम लोगों ने देखा लड़कियों का फेवरेट सेक्शन, स्पेशली मेरा तो है सिफोरा, मैक, ये सब। फिर हम लोगों ने सोचा ये कहाँ जाए। हम लोग को भूख भी लगी थी पर हम लोग को फूड कोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग ढूंढते रहे, और उस बीच आप लोग को थोड़ा मॉल्स भी दिखाते रहे। वही जो सुफोरा का है, ये 2 फ्लोर में सिचुएटेड है। आप देख सकते हो कितना सुंदर मॉल है ये। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कहाँ से मैं जा सकती हूँ फूड कोर्ट में। ये हम लोग देख रहे हो, आप भी देख सकते हो मॉल कितना सुंदर लग रहा है। सही में ये बहुत सुंदर मॉल है। एक क्राउड उतना ज़्यादा नहीं है। चलते चलते ये एक मेरे को इंस्टाग्रामेबल स्टोर मिल गया। वहाँ पे कुछ पांडास के पिक्चर्स भी खींच सकते हो आप लोग। और मैं यहाँ पे खड़े होके सोच रही हूँ कि ये वाले कैफ़े में मैं जा सकती हूँ ऊपर का। और मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ पर उसको आना नहीं था। वो बोला नहीं, यहाँ नहीं जाना है। फिर मैं लेफ्टिस पे जाके सोच रही हूँ कि यहाँ से कुछ ख़रीद लूँ। फिर वहाँ पे भी नहीं गए हम लोग। फिर इधर उधर देख के, हर आउटलेट स्टोर सब कुछ देख के फिर मैं थक गई। मेरे को खाना खाना था फाइनली। फिर हम लोग यहाँ पे, आप नोवो भी देख सकते हो, यहाँ पे थिएटर भी है नोवो का। फिर बहुत हो गया मैंने बोला, फिर हम लोग चलते हैं अभी फूड कोर्ट की तरफ। जाते वक्त हम लोग को ये एक छोटा सा टॉय ट्रेन दिखा जहाँ पे बड़े भी बैठ सकते हैं, छोटे भी। यहाँ पे एक जंपिनो भी मिला ऑन द वे टू फूड कार्ट हम लोगों को। यहाँ पे एडल्ट भी जा सकते हैं, किड्स भी। किड्स देखे हम लोगों को यहाँ पे, पर एडल्ट भी जा सकते हैं। ये एक लॉकर सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने टॉयज वगैरह रख सकते हो सामान। मैंने बहुत ढूंढना, ढूंढने के बाद मैंने सोचा मैं एक ऊनो ही ले लेती हूँ अपने लिए, कुछ और तो ले नहीं रही हूँ मैं। तो मैंने वो ले लिया मेरे लिए। ये रहा टिकट सेक्शन जहाँ पे आप लोग टिकट्स वगैरह काट सकते हो, बुकिंग। यहाँ पे आप पार्टीज़ के लिए भी बुक कर सकते हो, जंपिनो इसका नाम है। अगर आपको डिटेल्स और चाहिए इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूँगी। इसका 1 आवर 2 आवर्स रेट्स एंड पार्टी रेट्स भी आप देख सकते हो। और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर। एक टैम्प लाइन है, बहुत सही जगह है ये। फाइनली मैं आ गई फूड कोर्ट पे। यहाँ का फूड कोर्ट इतना सुंदर था और इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं कंफ्यूज हो गई कि कहाँ जाऊँ खाने के लिए। पापा जॉन्स, KFC, मैकडोनल्ड्स, ऐसा कुछ था ही नहीं कि नहीं था। सबवे, पिज्ज़ा हट, सब। पर मैं सोच में पड़ गई कहाँ जाऊँ मैं। फिर मेरे को ये श्रिम्प भी दिखा, मैंने सोचा मैं यहाँ से कुछ खाऊँ। फिर मैंने देखने के बाद कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं मेरे को, तो मैं चलते चलते और सिगरेट पे आ गई। यहाँ का बर्गर इतना सही था, इतना टेस्टी था, मैं क्या मैं बताऊँ। पर मैं यहाँ पे भूखी बैठी, मैं वेट कर रही हूँ, ये सोच रही हूँ कब मेरा खाना आएगा। पर सॉफ्ट ड्रिंक्स पहले ले लिया हम लोगों ने। तो ये रहा हम लोग का खाना। हम लोगों ने 2 चिकन बर्गर ऑर्डर किया था, एंड जो फ्राइज थे इसके, लाइक फ्रोजन फ्राइज जैसे नहीं थे, फ्रेशली कट फ्राइज थे, बहुत सही था। फिर मैं आ गई गॉसिप पे। ये एक बबल टी है, बहुत सही था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया हम लोगों ने, अच्छा लगा हम लोगों को। आप भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे जाके, गॉसिप नाम है इसका। ये रहा हम लोगों का बबल टी आ गया, फिर हम लोग इसको ट्राई करने लगे। फिर ये जो जगह है, ये है फाउंटेन एरिया। यहाँ पे एक्चुअली एवरी 30 मिनट्स फाउंटेन शोज होते हैं। आप लोग भी जा सकते हो, बहुत सही, बहुत सुंदर लगता है। पर हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप इवनिंग के टाइम पे, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद जाओ, तो फिर फाउंटेन शोज के साथ लाइटनिंग भी होता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये जगह। एंड नीचे सराउंडिंग्स पे बहुत सारे कैफेज, ये सब
होते हैं, तो आप फाउंटेन शोज़ देख देख के आप अपना कॉफ़ी कुछ भी आप इंजॉय कर सकते हो। आप देख रहे हो ये एकदम मॉल मॉल जैसा लगता ही नहीं है, पैलेस है कम्प्लीटली, इतना सुंदर है, एक लेक जैसा बना हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ। ये चालू हो गया इनका फाउंटेन शो, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स इनका फाउंटेन शो चलता है। बहुत सही, कतर के मॉल्स एक्चुअल में ही बहुत सही है, बहुत सुंदर है। फिर अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट और भी मॉल्स देखना, मैं ज़रूर आऊँगी, या आप देख सकते हो, या फिर और स्पेशल जगह आपको देखना है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो, मैं ज़रूर वो जगह एक्सप्लोर करके आपको डिटेल भी देंगी। ये रहा फाउंटेन शो चल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे, ऊपर से ही आप देख सकते हो, नीचे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, कुछ टैटूज़ वगैरह, कुछ कैंडीज़ के, कुछ अबायास, इन सब के स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं। ये हैं यहाँ पे जो आप एक बोट राइड ले सकते हो कंप्लीट द लेक एरिया में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, आवरली बेसिस 30 मिनट्स के बेसिस पे। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप शाम को जाओ सनसेट के टाइम पे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये साइड का व्यू था जो फाउंटेन्स होते हैं उस साइड में, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे को मन कर रहा था मैं वहाँ से आऊँ ही ना, इतना सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा हवा भी चल रहा था, बहुत सही था। आप लोग प्लीज़ जाओ वहाँ पे, एंजॉय करो। यहाँ पे छोटे छोटे गेम्स के सेक्शंस भी हैं, आप एंजॉय कर सकते हो ये सब। मॉल्स के एंट्रेंस अलग अलग सेक्शंस पे है, ये और एक एंट्रेंस है जहाँ से आप दूसरे साइड पे एंट्री कर सकते हो। ये थोड़ा लग्जरी ब्रांड्स का एंट्री है, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ हाई लेवल का लग्जरी ब्रांड्स है नहीं इस दुनिया में जो यहाँ पर ना हो, जैसे कि फेंडी, डियोर, डॉल्सी गबाना, हर चीज़ हर एक ब्रांड जो आप मतलब बोलना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ये जगह बहुत ही सुंदर है एंड हर एक ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हर एक लग्जरी ब्रांड्स का सेक्शन है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग अभी चले गए अलमहा आइलैंड में, जो कि लुसेल सिटी में ही है। वेंडर मॉल से अराउंड लाइक 5-10 मिनट्स लगा हम लोगों को वहाँ पे उबर से ट्रैवल करने में। अलमहा आइलैंड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लाइक कार्ट्स में ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी, सैंडविचेस, फिर बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो एंड शाम का व्यू वगैरह सब आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। एंड ये रहा लुसेल सिटी का जो व्यू है, ओ माय गॉड मैं क्या बोलूँ। एंड उस दिन का वेदर भी इतना सही था कि बहुत अच्छा लग रहा था। इस साइड पे ये सारे जगहों पे लोग इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स पे जा सकते हैं, तो लोग जो लोग भी ये सब एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं आप लोग भी जा सकते हो, जो लोग लुसेल सिटी के आसपास रहते हो, तो ये आप जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ मैं बिज़ी हो गई थोड़े बहुत फ़ोटो सेशंस के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर जा रहे, सिर्फ वीडियोस बन रहे हैं। ये रहा जो पीछे आप देख रहे हो, ये है लुसेल का बहुत फेमस, एक्चुअली कतर का बहुत फेमस हाफ मून टावर। ये इतना सुंदर लगता है शाम को, आप सोच नहीं सकते हो कि हम लोग वहाँ पर बैठे कितने टाइम, वहाँ पर चेयर्स भी है, आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो शाम को ये इतना सुंदर लगता है ये जगह, आपको वहाँ से आने का ही मन नहीं करेगा।